फीमेल को कभी फील ही नहीं होता कि दिस इज समथिंग सेक्सुअल अब्यूज विद मी बिकॉज आई गॉट मैरिड विद दिस पर्सन नाउ दिस इज माई ड्यूटी एंड द मेल थिंग्स दिस इज माई राइट. Hey guys, hello and welcome to a very special episode of the Free Spoken Podcast. First of all, happy Navratri. Secondly, today we are being powered by the Rotaract Club of DPSRU and their project Abhay, which is basically to spread awareness for domestic violence. Now in that regard, aaj hamare saath hai Ms. Pooja Tomar. She is a psychologist in the Juvenile Justice Board of Tihar Prison. However, she has worked in the field of domestic violence with the victims for more than 5 years now. She has worked with Delhi Police and she has worked with various institutions in this particular thing. So, aaj hum unse un cheezon ke baare mein baat karenge, domestic violence related, jo ki ek common sense se aage jaake aati hai. So, hi Pooja, how are you doing? And thank you so much for coming here. Thank you so much, Sanit, for giving a beautiful introduction. I guess this topic is need to be, you know, introduced in a very layman language so that every can get introduced with it. Yeah, so Pooja, मुझे भी ये लगता है कि layman language आपने बहुत सही तरीके से रखा है. Layman language में समझ नहीं आता लोगों को कि domestic violence beyond a woman being hit at her home. क्या है बट आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट उसके आगे के एस्पेक्ट्स जो डोमेस्टिक वायलेंस के पूरे स्कोप में काउंट होते हैं. That's true, Sanad. Actually, we are just, you know, focused about the physical violence. And as you said, कि सिर्फ marriage है तो उसमें domestic violence होगा. कुछ इस तरह का एक concept हमारा बन चुका है. और जैसे आपने बोला, domestic violence actually है क्या? Just very simply, there is a domestic, which means the roof under which you are staying. That is domestic for you, right? आपका घर है, आपका एक community है, एक location है जहाँ पे आप रहते हो. And there is violence. किसी भी तरह की अगर violence है, and that violence can be physical, तो आपको जानते ही हो. Then अभी as a psychologist are, you know, coming into the very much field, extreme field, तो सबको mental violence भी पता चलती है कि okay, there is something mental. आपने सुना है वर्बल वायलेंस, इफ यू आर कॉलिंग समवन विद अनदर नेम आल्सो, जैसे कि कामचोर हो, काले हो, मोटे हो, या फिर कैसे घर से आए हो, या फिर किसी का कुछ इस तरह का नाम रख देना जिससे एक्चुअली पर्सन इज फीलिंग हर्ट, दैट इज आल्सो अब्यूज. जस्ट गाली देना ही इज नॉट अब्यूज. कॉलिंग, नेम कॉलिंग, किसी के सामने इंसल्ट करना, किसी के नोइंगली, इंटेंशनली आपके घर में रिलेटिव्स आए हैं एंड दैट टाइम यू आर यू नो वर्बली इंसल्टिंग योर वाइफ, योर सिस्टर, योर ब्रदर, यंगर ब्रदर एंड एनी वन हु इज इन योर होम एंड यू आर इंसल्टिंग देम, देन सेक्शुअल अब्यूज इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन इन मैरिटल केसेस एंड विच वी डू नॉट रिपोर्ट एंड वी ऑल्सो कैन नॉट रिकोगनाइज. जो अगर दो कपल्स हैं उसमें फीमेल को कभी फील ही नहीं होता कि दिस इज समथिंग सेक्सुअल अब्यूज विद मी बिकॉज आई गॉट मैरिड विद दिस पर्सन नाउ दिस इज माय ड्यूटी एंड द मेल थिंग्स दिस इज माय राइट टू डू ऑल दीज थिंग्स बट नो देयर इज समथिंग विच वी कॉल सेक्सुअल अब्यूज वेयर अ गर्ल इज इन डू नॉट वॉन्ट टू डू फ्यू थिंग्स बट द मैन वॉन्ट्स. अदर देन दैट इफ यू आर यू नो किसी को हार्म कर रहे हो इकोनॉमिकली, पैसे नहीं देना, किसी से उसके पैसे ले लेना या उसकी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाना. सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग बट आई कैन नॉट यूज माय क्रेडिट कार्ड्स, आई कैन नॉट यूज माय एटीएम कार्ड्स, आई डोंट नो वेयर माय यू नो सैलरी इज स्पेंडिंग, आई कैन नॉट परचेज एनीथिंग फॉर मी एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द इकोनॉमिक अब्यूजेस. If I'm not earning as well, तो भी मेरे कुछ तो खर्चे होंगे ना, मुझे कुछ तो चाहिएगा. कुछ नहीं, सैनिटरी पैड्स चाहिए, मुझे अंडर गार्मेंट्स चाहिए, मुझे अपना बेसिक सामान चाहिए जो बहुत बेसिक है, अदर देन आटा, दाल, सब्जी. इसके अलावा भी मेरे कुछ नीड्स हैं. प्लस आई वॉन्ट टू डू शॉपिंग, मुझे नेल पेंट चाहिए, मुझे लिपस्टिक चाहिए, दिस इज माई बेसिक नीड्स. बट माई हस्बैंड, my in-laws, they are not understanding that because you are not working and we are you know giving you this dal chawal roti atta sabji plus kapde bhi hum de dete hain aapko, that is enough for you, so why do you need money like this. So these all comes under the economic issues. Aap unko economically kisi cheez se
हटा रहे हो, डेविएट कर रहे हो, उन्हें डिप्राइव कर रहे हो. तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस, बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट वेरी इजीली. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक डोमेस्टिक वायलेंस कम्स फ्रॉम अ माइंडसेट टू. एंड वायलेंस का प्रॉब्लम यही है व्हेन इट कम्स टू डेफिनेशन, कि आप वायलेंस को रिलेट करते हो फिजिकल असॉल्ट से. बट आपने एक चीज बोली यहाँ पे पूजा, कि यू गिव एग्जांपल्स ऑफ वुमेन ऑल द टाइम. वी डेफिनेटली गिव एग्जांपल ऑफ वुमेन ऑल द टाइम. ऑल दीज काइंड्स ऑफ वायलेंस, फिजिकल असॉल्ट वुमेन के ऊपर हो सकता है, नो डाउट्स उन्हीं के ऊपर होता है 99.9% ऑफ केसेस. सेक्सुअल असॉल्ट आई बिलीव कैन लिटरली हैपन ऑन द मेन, ऑन द वुमेन, बोथ ऑफ देम. इकोनॉमिक अगेन फॉर बोथ ऑफ देम. And if you go beyond verbal, also, that too can happen for men or women both. But jo Domestic Violence Act hai, specifically mention karta hai the rights of women and somewhat children also. Ye aapko kitna sahi ya galat lagta hai ki Domestic Violence Act specifically mentions women and there is no mention of men? Yeah, Sinan, if we talk about particularly the act, it is, under the Section 12. That is the protection of women from Domestic Violence Act, and it is particularly made for the women only. So males obviously won't come under this. But aisa nahi hai ki wo kuch kar nahi sakte. If you are victim of anything, then law is open for you as well. You can go and you can report. There is nothing a law especially meant for the boys ya fir men. As you know na, it is a patriarchy society hamara jo hai jisme hum rehte hain. To ye bahut easy nahi hoga samajhne ke liye ki your wife is physically abusing you ya fir your sister is abusing you as a brother. Theek hai, aap bade bhai ho aur aapki jo sister hai wo aapko abuse kar rahi hai. एंड आप अगर इस एक्ट का एक थोड़ा सा बेसिक देखना चाहो ना, तो जो ये आया था, ये कब आया था, जब डॉरी डेथ्स बहुत हो रही थी. आपको डॉरी डेथ में एक सिंगल भी डेथ मेन की नहीं मिलेगी. Obviously. आपको सारी वुमेन, राइट, हु वाज बर्न फॉर द डॉरी, जिनको डाइवोर्स दे दिया गया था फॉर डॉरी पर्पज, एंड ऑल दीज थिंग, बहुत सारे केसेस हुए. तो हमारी रिसर्चेस के बेस पे आया था, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं ऑल रिपोर्टेड बाय द वुमेन ओनली. Mm-hmm. इस तरह के केस, देन हमें एक एक्ट की जरूरत पड़ी. तो दैट वाज द पर्पस ऑफ दैट एक्ट, कि बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही थी, बहुत ज्यादा ये जो गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए जो हिंसा थी, वायलेंस थी, वो बढ़ती जा रही थी डे बाय डे. उसके लिए पर्टिकुलरली एक्ट आया था. बट मेन भी अगर कुछ भी उनके साथ इश्यूज है, देन पुलिस स्टेशंस आर ओपन फॉर देम. लॉ इज ऑलवेज वेलकम एवरीवन. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वायलेंस, यू कैन गो एंड रिपोर्ट. बट दैट वुड बी कंसीडर्ड अंडर डीवी एक्ट, बट दैट वुड बी कंसीडर्ड अंडर अदर सेक्शंस. बट दैट हैज कंसीडरेशन, यू मीन, सो इट विल बी कंसीडरेशन इन जनरल लॉज, बट इट उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है. Yes, as a human being, there is law for everyone. This is your human right. If you are a man, so it doesn't mean ki aapko aise victim banna padega. It does not mean that. And our law never says this thing. But DV Act is something different, jo woman ko thoda zyada privilege de deta hai. So basically, what I understand here is that, Pooja, ki since the society has been such, since the tradition and the culture has been such in India, isiliye uske specific laws nahi banaye gaye. क्योंकि उसके विक्टिम्स मेल बहुत कम थे, उसको एक सेपरेट लॉ देना, एक सेपरेट सेक्शन देना जरूरी नहीं समझा गया. बट हाँ, अगर आपको ये इश्यूज हैं, आप रजिस्टर करो, यू विल डेफिनेटली फाइंड द पाथ ओवर देयर. नाउ आपने स्टार्टिंग में एक बात करी थी, या हम लोगों ने जिस चीज पर चर्चा करी, कि फिजिकल वायलेंस के अलावा बहुत तरह के वायलेंस है. अब आप पूजा किसी भी विक्टिम को अगर देखते होगे, फिजिकल वायलेंस आइडेंटिफाई करना इज वेरी सिंपल. You know, you can have bruises, you can have hurt, khoon, bloodshed, anything to anything. So as a counselor, how can you tell people ki wo identify kar sakein ki ye actually ek problem hai jiska solution report karne se aayega, aise apne aap handle karne se nahi aayega. Okay, so other than jaise physical abuse hai, to agar मुझे कोई मिलता है या मैं अपनी बात अगर पहुंचा पाती हूँ किसी से, मैं सबसे पहले बोलती हूँ अगर फिजिकल अब्यूज है, प्लीज रिपोर्ट. आप इसको एक साइकिल मत बनने दो. एज सून एज पॉसिबल रिपोर्ट इट टू एनीवन, एटलीस्ट योर फैमिली. इफ फैमिली इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो. अगर आपने उसे फर्स्ट या सेकेंड टाइम में अलाउ कर दिया,
then obviously that will be a cycle jisme aap fir fasthe chale jaate ho. And still if you are trapped in a cycle, please try to go beyond it. Isse nikalne ki koshish karo, pehli cheez. Sexual abuse also, as I said ki कुछ चीजें हमें लगती हैं ओके बिकॉज आई एम मैरिड और या फिर मैं गर्ल हूं तो मुझे इतना तो करना पड़ेगा. इसमें दो चीजें हैं. फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली आर यू नो बॉडी इज लाइक दैट वी हैव ट्यू हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर यू नो सेक्सुअल प्लेजर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. इफ यू हैव मेडिकल प्रॉब्लम राइट, इफ यू आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स and you are feeling pain or something while doing all these activity, the first thing is you should consult the physician doctor who is expert in the sexual disorders or something. But if it is something beyond that, right, if you are feeling like it is something which I personally don't like to do but it is forcefully mujhe karna pad raha hai ya mujhe involve hona pad raha hai, agar is tarah ki aapko cheeze lagti hain, then again you need to report that. और एक चीज यहाँ पे एक चीज समझना और जरूरी है कि सेक्सुअल अब्यूज ही है, मेरा हस्बैंड जो है मुझे इंटेंशनली अब्यूज कर रहा है, हमेशा ये चीज नहीं होती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे एक माइंड सेट है ऑलरेडी, बिकॉज आपकी जो सेक्स की थ्योरी है, सेक्सुअल रिलेशनशिप की थ्योरी है, वो अलग है. योर हस्बैंड हैज सम डिफरेंट थ्योरी राइट, तो ही माइट थिंक ओके दीज आर द वेरी नॉर्मल थिंग्स, बट गर्ल विल से ओके दीज आर नॉट द नॉर्मल थिंग्स, आई कैन नॉट डू दैट. तो यहाँ पे भी वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा काउंसलिंग की जरूरत है. आपकी दोनों की जो थियरी है दे आर नॉट मैचिंग. आप दोनों मैच कर रहे हो एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, बट जो यहाँ पे आपके कंसेप्ट है सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके दे आर नॉट वेरी मच क्लियर. ओके देन उसके बाद हम बात करते हैं वो वाले अब्यूज जो नहीं दिखते हैं राइट. जैसे मैंने बोला वर्बल अब्यूज, अभी हस्बैंड ने गाली दे दी बट हाउ कैन आई प्रूव दैट. पहली तो बात मुझे समझना कि दैट वॉज वर्बल अब्यूज फॉर मी और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सनत यू हैव सीन आई गेस थप्पड़ मूवी राइट, थप्पड़ मूवी उसमें अभी सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं. फ्यू पीपल से दैट वॉज मीन्स अ वेरी राइट थिंग विच शी डिड, डाइवोर्स लेना उसने जो किया वो बहुत सही था. कुछ लोग बोलते हैं वो बिल्कुल मतलब वो सही नहीं था. तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. यहाँ पे एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बोलना चाहूंगी कि दैट थप्पड़ वॉज ना मे बी फॉर मी इट इज अब्यूज बट फॉर अदर मे बी इट इज नॉट. अंडरस्टूड? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या अब्यूज है और किसी के लिए वो अब्यूज नहीं हो सकता है. तो इन थप्पड़ मूवी दैट थप्पड़ एक्चुअली वॉज अब्यूज फॉर दैट गर्ल. उसको वो थप्पड़ से पुराना जितना भी उसके साथ अब्यूज अभी तक हो रहा था वो उसको रियलाइज हुआ. दैट्स व्हाई शी टुक दैट स्टेप. सिर्फ एक थप्पड़ के लिए नहीं लिया था, जो भी उसको मेंटल हुआ था अब्यूज का, फिजिकल हुआ था, फिजिकल नहीं बोलूंगी, फाइनेंशियल जो था, उसने अपने करियर को छोड़ दिया था, सब कुछ वो सब उसको फिर रियलाइज हुआ. ऑन दैट बेसिस शी टुक दैट डाइवोर्स. प्लस इकोनॉमिक इश्यूज का जैसे मैंने बात की, अगेन इफ यू हैड दैट initially you had that all these things but अचानक से आपसे वो सब चीजें ले ली गई हैं. So this is your right to know all these things कि why it is happening with me. अभी हम हमेशा ना role play करते हैं कि okay तब मैं बेटी थी तो मैं कर सकती थी, अभी मैं बहू हूँ, daughter in law हूँ तो मैं नहीं कर सकती. तो you are playing the roles right. So playing the roles is fine, very much fine if you are happy, but if you are not happy then you are an individual also. So this is the thing which you can means as a person you should know ki mere sath kis tarah ka shayad ye kuch galat hai, I should talk about it. So I think iska bottom line wahan pe aa jayega Pooja ki as long as you feel ki whatever you are doing in this relationship with anybody, not only your husband but your in-laws, your brother, sister, even your own parents, jab tak wo aapko ek satisfaction aur khushi deta tha तब तक इट वॉज ओके. बट द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कि ये तो करना ही पड़ता है, दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी, यू शुड कंसल्ट समबडी. एंड आई वुड से वी कैन ऐड अ स्टेप इनटू इट, डोंट रिपोर्ट इट डायरेक्टली कि गोइंग टू अ पुलिस स्टेशन फाइलिंग एन FIR. इंस्टेंट कंसल्ट समबडी लाइक यू इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. उसके बाद यू टेक अ स्टेप जो कि आपकी गाइडेंस के अंदर या आपके जैसों की गाइडेंस के अंदर होगा. Now you should take this further and talk. As I want to come to this point, ki aap report karo ise. So I want you to tell here while concluding this particular episode ki hum
जब रिपोर्ट करने के लिए आगे जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि यार पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज वॉट अगेन वी हैव बीन टॉट बाय मीडिया एज वेल एज मूवीज कि डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट तो FIR होती है. बट दिस इज वन क्रूशियल स्टेप कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट और अ कंसल्टेंट लाइक यू. सो व्हाट डू यू सजेस्ट शुड बी द स्टेप और द फ्लो थ्रू विच अ पर्सन शुड थिंक एंड टेक यू नो दीज स्टेप्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व such type of violences and then decide ki aage kya karna hai. Okay, so Sanath, I would like to start, you know, your answer like this. Like our law, our police system, our criminal justice system also do not want to break the families. Okay, they also want you to be united. हमारा कहीं से भी कहीं तक ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है कि okay, you just file the divorce and we'll sign and you go. Right. Okay, so they do not follow these patterns. In fact, if you file the, when you go to the police station, you will be amazed to know police wala bhi report likhne ke liye mana kar deta hai if it is a wife husband jhagda. Wo bolte hain, madam, aapke ghar ka family ka mamla hai, ghar mein suljha lo. Right. It doesn't mean they don't want to work. Basically, they don't want to break any family. And they understand this ki okay maybe that may be situational ki abhi ho gaya hoga wife gusse mein hai isliye police station aa gayi hai to abhi usko shant kara ke bhej do husband wife baat karenge to theek ho jayega. There are so many cases jisme husband wife police station aati hai, SHO khud husband ko bulate hain, wahan pe dono ko bithate hain, baat karate hain and without any FIR unhe wapas ghar bhejte hain. See, this is a relationship. इतना easy नहीं है इतना break करना और वापस से सब चीजें करना. तो एक तो ये चीज है. दूसरी चीज जैसे मैंने बोला कि nobody want to break the family. इसीलिए जो दिल्ली पुलिस में आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मैंने बच्चों के साथ और वुमेन के साथ काम किया, दैट वॉज अ प्रोजेक्ट ऑफ दिल्ली पुलिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. वॉट दे डिड, दे पोस्टेड फ्यू काउंसलर एट द पुलिस स्टेशन लेवल एंड दैट वॉज रियली अमेजिंग. At the police station level means whenever any victim comes in the police station, so before meeting the police person as well, before writing any FIR or any complaint, they will be referred to the counselors. कि एक बार पहले आप counselor से बात कर लो, उनसे मिल लो, अपनी problems बता दो. अगर आपका counseling से चीजें better हो सकती हैं, तो you don't need to go for the FIR and all these things, divorce and court and all these things. तो ये एक तो ये बहुत अच्छी चीज थी. इनिशियली आई गेस अभी तीन साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को और दिल्ली में 20 पुलिस स्टेशन में ये चलता है. तो आपको 20 पुलिस स्टेशन में 24 आवर्स काउंसलर्स आर अवेलेबल देयर. तो इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और एनीथिंग एंड यू वांट टू कंसल्ट एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो लेडीज एंड चिल्ड्रन के लिए और इसमें मेल भी अलाउड है. If you are a male and you are feeling, something is not happening good in the family and you are facing any issues, you want to just go and consult with someone, so you can also and go visit them, you can talk to them. Second cheez, aapne bola ki what would be the procedure. Mm-hmm. I would suggest ke if it is domestic violence, so do not go to the direct to the police. Agar bahut zyada nahi hai, try to talk to your teachers. Try to talk to your, obviously, the family member to whom you believe. And third, there are many helplines as well, of psychological helplines. You can call them. But if the violence is, you think, no, it is something I cannot tolerate and it should not happen, then you should not wait for a single minute. You need to dial 100. That is the option. Because you cannot wait ki bahut jab extreme ho jayega, then only I'll report. I would suggest rather than, going for the legal cases, better to go for the counseling. Agar counseling bhi nahi work karta hai, to legal to option always is there. But at least hamesha apna mindset ye mat rakho ki is cheez ko hame todna hai ya kuch bhi hua hai to ab iska aage kuch future nahi hai. Rather than going into the laws and all, उससे पहले अगर चीजें फैमिली में बेटर हो सकती हैं, तो उसमें करके देखो. क्योंकि ऑलवेज रिमेम्बर, एक फैमिली ही है जो आपके साथ रहने वाली है, वेदर इट इन योर गुड कंडीशंस और बैड कंडीशंस, ओनली दीज पर्सन विल बी विद यू. नीदर मी, नीदर सोशल मीडिया, नीदर योर फ्रेंड्स, नीदर योर नेबर्स, राइट? तो यही लोग हैं. तो इट इज बेटर कि अपने रिलेशनशिप को आप अच्छा करने की कोशिश करें, रादर ऑलवेज इन द
कि अभी कुछ हुआ है तो ब्रेक कर. एंड बिफोर वी एंड दिस सेशन आई हैव समथिंग फॉर आवर व्यूअर्स हियर. नाउ DPSRU Rotaract Club had a small video for all of you to watch. So please watch this. This is from their project Abhay, which is currently going on to spread awareness for domestic violence. Never forget that walking away from something unhealthy is brave, even if you stumble a little on your way out the door. Rotaract Club of Dipsiru, supported by Rotary International District 3011, brings to you Project Abhay, an online awareness project on domestic violence in the month of October 2020. This form of abuse and trauma has been highlighted specifically during the current COVID-19 pandemic, where the cases have surged drastically to alarming levels. Awareness has been created in as real and accurate way as possible, and all information has been shared on our social media platforms to reach a wider audience. Survivor, not a victim. आंखों का काजल आज फिर बिखरा है, आज फिर आंसुओं से उसका दामन गीला हुआ है. जानते हैं क्यों? क्योंकि आज फिर उसके घर वालों ने उस पर हाथ उठाया है. द मेन गोल ऑफ द फ्यूचर इज टू स्टॉप दिस वायलेंस. वुमेन ट्रैप्ड इन वायलेंट रिलेशनशिप्स नीड टू रियलाइज दैट देयर इज नो शेम इन वॉकिंग आउट ऑफ सच रिलेशनशिप्स. Men too have an important role in sending out this real message. You need to keep this in mind, that it's okay to be angry, but it's never okay to be cruel, to be violent. You need to get out of such relationships, and it will not be an easy road, but your situation will be better. Always remember that you don't have to put yourself on fire just to brighten someone else's existence. At any given moment, you have the power to say, this is not how the story is going to end. I'm so much more than you told me I was. I'm learning to love the sound of my feet, walking away from the things not meant for me. I'm learning new ways of living instead of repeating what I lived through. After a while, I looked in the mirror and realized, wow, after all those hurts, all those scars, those bruises, and all those trials, I made it through. I survived. I survived which was supposed to kill me. So, I straightened up my crown and walked away like a boss. अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हर हिंसक तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोच विचार करो. औरत भी एक इंसान है, इस चीज़ का थोड़ा तो एहसास करो. माँ बहन बेटी हर रिश्ता उससे ही तो जुड़ा है, इस चीज़ का थोड़ा तो सम्मान करो, थोड़ा तो सम्मान करो. So this was a really a wonderful video. I'm really thankful for DPSRU Rotaract Club to give us this particular opportunity to talk on this topic. Thank you so much, Pooja, for being here. I would again thank the Rotaract Club of DPSRU for putting you in touch with me. And again, guys, domestic violence is something that cannot be tolerated. However, you need to be rational. Again, coming back to Pooja's example, एक थप्पड़ आपका डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट नहीं होता, एक गाली आपकी डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट नहीं होती. लुक बिहाइंड द प्रॉब्लम, लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर. इफ इट स्टिल सीम्स लाइक अ प्रॉब्लम, द लॉ इज देयर फॉर यू, पीपल लाइक पूजा देयर फॉर यू टू असिस्ट यू, एंड दैट्स हाउ वी कैन टेक दिस अप. सो ऑन दिस दशहरा वी रियली होप कि परसों रावण के साथ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी कम हो जाए. खत्म तो शायद कहना ज्यादा हो जाएगा, बट बिल्कुल जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन से, उनके आसपास के लोगों के मन से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए. थैंक्स अ लॉट पूजा फॉर बीइंग हियर, एंड डू लाइक द वीडियो गाइस, डू शेयर इट, डू कमेंट कि आपको क्या लगता है डोमेस्टिक वायलेंस और किस फॉर्म में हो सकता है, क्या अगर आपको लगता है कि इफ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस देन डू रिपोर्ट इट राइट अवे आइदर टू द कमेंट्स. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पुट यू इन टच विद पूजा. थैंक यू वंस अगेन.